चलिए तो हम लोग अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसा गया तुम लोगों का पेपर? हैं, जनरेशन से कुछ क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे? हो गए थे कि नहीं हुए? नहीं हो पाए। आए थे लेकिन हुए कि नहीं हुए? गैस टरबाइन से आया था। अच्छा, क्या आया था गैस टरबाइन से? मैंने आपको ओवरव्यू तो दिया था गैस टरबाइन का, जब मैं आपको बेस लोड और पीक लोड प्लांट जो है बोल रहा था। गैस प्लांट से बहुत क्वेश्चन आए थे। अच्छा, पावर प्लांट से 20-30 क्वेश्चन थे, 20 से 30 क्वेश्चन थे। कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो? उस तो कर लिए होंगे, जितना पढ़ा दिया उसमें से तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा मेरे ख्याल से। चलो, तो यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ द रिएक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। कुछ लोगों का पेपर है तो बोल रहे थे क्लास ऑफ कर देते, तो मैं एक प्लांट अभी डिस्कस कर देता हूँ, एक कल डिस्कस कर दूंगा, तो आपका जो है खत्म हो जाएगा, कंपेरिजन करके पूछा गया था। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। गैस कूल पावर प्लांट, जो गैस कूल रिएक्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, एक घंटा लगेगा। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास गैस कूल्ड रिएक्टर होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि गैस कूल्ड रिएक्टर में जो फ्यूल रॉड होती है वो किसकी बनी होती है। उसके बाद आप मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज करते हैं यहाँ पर, और कूलेंट के तौर पे क्या यूज करते हैं, और आपका जो है कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर दैट इज, पहला पॉइंट लिखिए दैट इज फ्यूल रॉड्स। फ्यूल रॉड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज कंट्रोल रॉड। नेक्स्ट मॉडरेटर। नेक्स्ट है आपके पास कूलेंट, और चौथा है आपके पास, पांचवा वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, वर्किंग फ्लूइड। बेटा आवाज आ रही है वरुण? आप अपनी साइड से देखिए, आपकी साइड से दिक्कत होगी, मेरी साइड आवाज बिल्कुल क्लियर है, मेरे यहां भी सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल ही परफेक्ट आवाज आ रही है। तो आप देखेंगे कि जनरली आपका जो है, जो मेरे पास गैस कूल्ड रिएक्टर होता है, गैस कूल्ड रिएक्टर, यहां पर आप देखेंगे कि गैस कूल मतलब कूलिंग के लिए, कूलिंग कौन प्रोवाइड करता है? रिएक्टर के अंदर जो कूलिंग होता है वो आपका कूलेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो भी आपकी विखंडन से हीट एनर्जी निकलती है, कूलेंट ही उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको क्या करता है, उस हीट को ट्रांसफर करता है हीट एक्सचेंजर में, जिससे कि आपका जो वाटर हो सके वो किसमें कन्वर्ट हो सके, स्टीम में। तो दैट इज यहां पर जो कूलिंग है, दैट इज कूलिंग जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्टर के अंदर, गैस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। कूलिंग किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं? कूलेंट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो कूलेंट यहां पर गैस होता है, और जनरली गैस कूल्ड रिएक्टर के अंदर जो आप कूलेंट के तौर पे गैस यूज करते हैं, तो जनरली या तो CO2 गैस यूज की जाती है या फिर आपका हीलियम गैस यूज की जाती है, ठीक है। तो कूलेंट के तौर पे लिख लीजिए कि गैस कूल्ड रिएक्टर के अंदर जो कूलेंट होता है, दैट इज द कूलेंट के तौर पे क्या यूज करते हैं? गैस यूज करते हैं। और गैस में भी जनरली कौन कौन सी गैस यूज करते हैं? या तो आप CO2 यूज करते हैं, अधिकतर CO2 यूज करते हैं, लेकिन आप फिलहाल कुछ प्लांट्स में जो बन रहे हैं उसमें हीलियम भी यूज करते हैं, हीलियम, ठीक है। तो कूलेंट इज नथिंग बट द गैस, और गैस के तौर पे हम लोग क्या कूलेंट यूज करते हैं? या तो CO2 गैस यूज करते हैं या फिर हीलियम। मॉडरेटर के तौर पे अगर मैं बात करूं, यहां पर जो मॉडरेटर गैस कूल्ड रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं सॉलिड ग्रेफाइट यूज किया जाता है, ये मॉडरेटर सॉलिड ग्रेफाइट इज यूज एज ए मॉडरेटर, ठीक है।
नेक्स्ट, फ्यूल रॉड जो बनी होती है वो नेचुरल गैस कूल्ड रिएक्टर में जो आप फ्यूल रॉड बनाते हैं वो नेचुरल यूरेनियम की बनाते हैं, दैट इज नेचुरल। मैंने लिखा भी था आपको जो है कि जब भी आपके पास मॉडरेटर के तौर पे हैवी वाटर होगा, ग्रेफाइट होगा, ठीक है, उस केस में जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज फ्यूल रॉड के तौर पे नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं। वाटर के केस में, ऑर्डिनरी वाटर के केस में केवल इनरिच यूरेनियम यूज किया जाता है, बाकी सभी के केस में दैट इज चाहे आपका जो है ग्रेफाइट हो, चाहे आपके पास जो है D2O हो, सभी के केस में, क्योंकि आपके महंगे मॉडरेटर होते हैं, तो इकोनॉमिकल के लिए फ्यूल की कॉस्ट कम कर देते हैं, तो फ्यूल रॉड जो यहाँ पर बनी होती है वो किसकी बनी होती है, नेचुरल यूरेनियम के फ्यूल रॉड्स यहाँ पर बनी हुई, ठीक है। नॉर्मली जो कंट्रोल रॉड्स होती है, कंट्रोल रॉड्स या तो आप बोरान की यूज करते हैं या फिर आप जो है कैडमियम की यूज करते हैं, बोरान और कैडमियम, ठीक है। और वर्किंग फ्लूइड तो आपको मालूम है कि आपका ऑर्डिनरी वाटर होता है, आपका जो है हीट एक्सचेंजर में आपका क्या होने वाला है कि आपका जो कूलेंट है, कूलेंट आपका क्या है, गैस आपका जो है रिएक्टर से हीट को लेगा, कूलेंट में जाएगा, वाटर आपका नॉर्मल प्रेशर पे होगा, आसानी से जो आपके पास गैस की हीट एनर्जी है आपका जो है वाटर उस हीट एनर्जी पे एब्जॉर्ब करेगा, नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगा, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वो स्टीम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होने लगेगा, और स्टीम डेवलप होने के उसके बाद आपका जो है टर्बाइन रोटेट करेगी। तो जनरली आप देखेंगे कि जो सा लिक्विड, ठीक है, जो सा तरल यहाँ पर आपका जो है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वो आपका ऑर्डिनरी वाटर होगा, ठीक है, और किस प्रेशर में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वर्किंग फ्लूइड होगा दैट इज ऑर्डिनरी वाटर और उसी को लाइट वाटर भी बोलते हैं, लाइट वाटर दैट इज H2O एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए तो जो टेबल थी उस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको लेआउट डायग्राम बनवा देता हूं, तो ये वाला टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा। इतना लिख लीजिए पहले आप लोग, चलिए टेबल पे आ जाइए। चलिए तो फ्यूल रॉड किसकी बनी होती है बेटा, गैस कूल्ड। हेलो, यहां पर हम बात करें गैस कूल्ड के बारे में, गैस कूल्ड रिएक्टर में जो फ्यूल रॉड होती है वो बनी होती है नेचुरल यूरेनियम। कंट्रोल रॉड आपकी बोरान की होंगी या फिर कैडमियम की होंगी। नेक्स्ट, यहां पर आप मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं सॉलिड ग्रेफाइट, दैट इज कूलेंट के तौर पे गैस यूज की जाती है, और गैस में भी कौन सी गैस यूज करते हैं आप लोग, या तो CO2 या फिर हीलियम। और बेटा यहां पर ऑर्डिनरी वाटर आपका वर्किंग फ्लूइड होता है, ऑर्डिनरी वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेबल कंप्लीट करें बेटा। आप देखे होंगे कि यूपीपीएससी में एग्जामिनेशन में आप बोल रहे हैं 10 से 20 क्वेश्चन आए, केवल जनरेशन पोर्शन से 10 से 20 क्वेश्चन अगर आपके पास आए हुए हैं, पर आप देखेंगे इतने इजी क्वेश्चन नहीं थे। अगर मैं आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा तो जितने क्वेश्चन आपने कर लिए वो भी नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, तो जो भी चीजें बहुत क्लियरली वे पे पढ़े तभी आप एग्जामिनेशन निकाल पाएंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन डे बाई डे टफ होते चले जा रहे हैं, बिकॉज कंटेंट वही है और नई चीजें बन नहीं रही हैं, तो आपका डेप्थ में चीजें पूछता है, तो डेप्थ में चीजें पढ़ने की कोशिश करें। टेबल को कंप्लीट कर लें बेटा जल्दी से, फिर हम लोग अपने लेआउट डायग्राम की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से कई क्वेश्चन आए थे, बन गए थे आशा बेटा क्वेश्चन की नहीं बने थे, ये बताओ ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो क्वेश्चन आए थे क्या वो आप कर ले गए थे कि नहीं? जी चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, लेआउट डायग्राम ऑफ द गैस कूल्ड हाँ, तो जो पढ़ाया वो हो ही जाएगा बेटा, परेशान नहीं हो, तुम्हारे जो पेपर बनते हैं वो हमारे नोट से ही बनते हैं, ठीक है। इसके लिए टेंशन ना लो, बट यू कैन बी टेक द पेशेंस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लेआउट डायग्राम ऑफ गैस कूल्ड रिएक्टर, ठीक है। गैस कूल्ड रिएक्टर का लेआउट डायग्राम मैं आपका बना रहा हूं, चलिए पहले मुझको बनाने दीजिएगा फिर आप बाद में बनाइएगा। Now you can be see that कि पहले तो आपके पास रिएक्टर का वेसल होगा जिसके अंदर आपके फ्यूल रॉड, मॉडरेटर, ये सारी की सारी चीजें लगी हुई, ठीक है। और यहाँ पर आप रिएक्टर के वेसल को प्रेशर वेसल भी बोलते हैं, बिकॉज गैस विल बी देयर, तो यू कैन बी मेंटेन द प्रेशर इन साइड द वेसल, ठीक है। तो उसको आप जो है रिएक्टर वेसल बोलिए या फिर प्रेशर वेसल बोलिए, बात क्या है, सेम है। जैसे हैवी वाटर रिएक्टर में जो आपके पास रिएक्टर वेसल था उसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या नाम था, क्या नाम था, That is, उसका नाम क्या था, कैलेंड्रिया था। जैसे हैवी वाटर रिएक्टर में जो रिएक्टर वेसल था उसको कैलेंड्रिया बोलते हैं, उसी तरह गैस कूल्ड रिएक्टर में जो रिएक्टर वेसल होता है उसको प्रेशर वेसल बोलते हैं, बिकॉज इट कैन ऑल्सो मेंटेन द प्रेशर, ठीक है। और जो प्रेशर होता है वो जनरली आपका यहाँ पर गैस का जो प्रेशर है वो लगभग 20 या फिर 24 के आसपास जो है मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिखा भी दूंगा इसको, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। गैस कूल्ड रिएक्टर में 24 से लेके 28 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के राउंड आपका प्रेशर मेंटेन किया जाता है गैस का, कूलेंट का जो प्रेशर होता है, ठीक है। कूलेंट का प्रेशर मेंटेन करते हैं, इसलिए उसको प्रेशर आपका जो है दैट इज प्रेशर वेसल भी बोल देते हैं। नाउ यू कैन गो फॉर दैट, चलिए यहां मैं बना रहा हूं, दिस इज रिएक्टर वेसल, क्लास है शाम को 8:30 ना, हाँ लेंगे ले लेंगे, ठीक। Now this is the reactor vessel, बनाइएगा नहीं क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें मिटा दूंगा, पहले मुझे पूरा बना लेने दीजिए जहां तक, फिर मैं आपको बता दूंगा कि बना लीजिए, फिर आप लोग बना लीजिएगा। First you can be see the picture. Yeah, thanks.
Now this is the pressure vessel. That is इसको reactor vessel को यहां पर pressure vessel बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। Now, इसके अंदर आपकी फ्यूल रॉड होती है और सॉलिड ग्रेफाइट की कोटिंग करते हैं हम चारों तरफ फ्यूल रॉड की। फ्यूल रॉड जो होती है नेचुरल यूरेनियम की होती है यहां पर, तो येलो कलर से बना देता हूं। This is fuel rod. This is येलो कलर की जो मैंने बनाई है, ये सारी की सारी फ्यूल रॉड है जो कि नेचुरल यूरेनियम की है। ठीक है, इसमें जो सॉलिड ग्रेफाइट मॉडरेटर होता है वो पूरे में भरा नहीं होता है। ठीक है, आपका जो है फ्यूल रॉड के चारों तरफ हम लोग जो है मॉडरेटर की कोटिंग कर देते हैं, सॉलिड ग्रेफाइट की कोटिंग कर देते हैं। नाउ दिस इज द कोटिंग ऑफ मॉडरेटर। ये मैंने फ्यूल रॉड के चारों तरफ कोटिंग कर दी है मॉडरेटर। This is the coating of moderator. क्योंकि सॉलिड ग्रेफाइट होता है इसलिए कोटिंग हो जाती है।
ठीक है, तो ये मैंने आपका बनाया, दिस इज द मॉडरेटर। जो कि किसका है बेटा, ये सॉलिड ग्रेफाइट का। ठीक है, नाउ कंट्रोल रॉड यहां बना देता हूं। नाउ आई कैन वी मेक द कंट्रोल रॉड। These are the control rods. ठीक है, ये आपका मैंने ग्रीन कलर से कंट्रोल रॉड बनाया। जनरली ये आपकी बोरान या फिर कैडमियम की बनाई जाती है, इसमें कंट्रोल रॉड्स दैट इज जनरली आपकी बोरान की होंगी या फिर कैडमियम की होंगी। ठीक है, चलो अब कूलेंट दिखाते हैं। यहां पर जो कूलेंट होता है दैट इज प्रेशराइज्ड गैस, या तो CO2 होती है या फिर आपका जो है हीलियम को यूज करते हैं। जनरली इन्हीं दोनों गैस में से किसी को यूज करते हैं। पहले CO2 यूज करते थे, अब जो है नॉर्मली नए प्लांट्स में हीलियम यूज करने लगे। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, पर आप देखेंगे हवा को जिस रास्ते से निकाला जाता है उस रास्ते को बोलते हैं डक। हेलो, हवा को जिस रास्ते से आप देखें, कई बार डक्टिंग कराते हैं आप घर में, जैसे घर से जो है जैसे किसी कमरे में ज्यादा गर्मी होती है तो वहां से आप क्या करते हैं कि डक्टिंग कराते हुए छत में ले जाते हैं हवा को निकालने। ठीक है, तो जिस रास्ते से हवा जाती है, जनरली जिस रास्ते से हवा जाती है उसको डक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर डक्टिंग करते हैं क्योंकि कूलेंट मेरी गैस है, गैस है आपकी हवा टाइप की है। ठीक है, गैसियस कूलेंट विल बी देयर। तो जिस रास्ते से जाएगी उसको मैं बोलूंगा गैस डक्ट। ठीक है, गैस डक्ट। तो नाउ दिस इज, यहां से मेरा कूलेंट निकलेगा हीट लेके, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, यहां से मेरा जो है गैस कूलेंट, ठंडा गैस कूलेंट आएगा। आप देखेंगे यहां पर क्या होने वाला है, न्यूट्रॉन गन से न्यूट्रॉन भेजूंगा, मॉडरेटर स्पीड कम करेगा, विखंडन होगा, हीट एनर्जी निकलेगी, चारों तरफ आपके गैस होगी, गैस इस हीट एनर्जी को लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हॉट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। हॉट गैस को हम लोग भेजेंगे हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में जब जाएगी तो आपका हीट का ट्रांसफर होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, टर्बाइन रोटेट करेगी। ठीक है, तो नाउ दिस इज, यहां से आपका दैट इज, दिस इज कोल्ड गैस डक्ट, मतलब यहां से इस रास्ते से ठंडी गैस आ रही होगी, मतलब कोल्ड कूलेंट आ रहा होगा, अंदर हीट एनर्जी विखंडन की वजह हीट एनर्जी होगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यहां से मेरी हॉट गैस निकलेगी। दिस इज द हॉट गैस डक्ट, इस रास्ते से हॉट हवा, हॉट गैस जाएगी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, कूलेंट है ना। ठीक है, तो बना देता हूं, यहां से मेरा जो है यहां से मेरी कोल्ड गैस आ रही है। ठीक है,
ये कोल्ड गैस ऐसे पास करेगी, कुछ कोल्ड गैस यहां से पास करेगी, हीट एनर्जी को लेते हुए अंदर विखंडन हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कुछ आपकी गैस यहां से भी पास करेगी, गैस है ना जहां भी रास्ता मिल जाएगा वहां से निकल जाएगी, कुछ मेरी यहां से भी पास कर जाएगी, ठीक है, कुछ मेरी यहां से भी निकल जाएगी, कई सारे रास्ते हो सकते हैं, कुछ रास्ते मैं आपको दिखा रहा हूं, कई गैस यहां पर हीट एनर्जी को लेके ऐसे निकल जाए, ठीक है, और यहां से हीट एनर्जी को लेने के बाद यहां से आपकी हॉट गैस निकलेगी, ठीक है। अब इसका प्रेशर कितना होता है, क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो कूलेंट का प्रेशर है गैस कूल्ड रिएक्टर में, ये जो मेरा कूलेंट है इसका प्रेशर कितना रखा जाता है, तो प्रेशर आपका होता है 14 से लेकर 28 केजी पर सेंटीमीटर, 14 बार तक हम लोग बात कर लेते हैं, और इसका जो टेम्परेचर होता है यहां पर विखंडन, हेलो यहां पर विखंडन होगा तो यहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो प्रेशर तो बता दी, और टेम्परेचर जो होता है जब हीट एनर्जी लेके गैस निकलती है तब यहाँ पर गैस का जो टेम्परेचर होता है वो 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जब ये हीट एक्सचेंजर में जाता है तो यहाँ पर गैस के पास जो है गैस का टेम्परेचर 700 से 800 है, आपका जो वाटर होगा वो नॉर्मल प्रेशर पे होगा तो आसानी से हीट एनर्जी लेगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो स्टीम निकलेगी उसका प्रेशर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे पास गैस कूलेंट है उसका प्रेशर टेम्परेचर लिख रहा हूं, स्टीम का नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर स्टीम का जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है कम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका जो वाटर होता है वही स्टीम में कन्वर्ट होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं द प्रेशर ऑफ गैस कूलेंट इज मेंटेन अराउंड 14 से लेके 28 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इतना बार, एंड टेम्परेचर ऑफ कूलेंट एज अराउंड, यहां से जो टेम्परेचर, यहां से जो कूलेंट निकलता है हॉट कूलेंट जो निकलता है उसके टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, अराउंड जो होता है हॉट जो गैस निकलेगी अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड, इतना लिख लीजिए और इतना बना लीजिए, इतना लिख लीजिए और इतना बना लीजिए, फिर मैं आगे बनाऊ, ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, जो मैंने लिखा है ना प्रेशर और टेम्परेचर, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि जो गैस कूल्ड रिएक्टर होता है उसमें जो हम गैस यूज करते हैं उसका प्रेशर और टेम्परेचर कितना होता है, ये पूछ लिया जाता है, टेम्परेचर होता है 700 से 800 डिग्री के, तो प्रेशर आपका होता है 14 से 28, इसीलिए इसको प्रेशर वेसल भी बोलते हैं, यहाँ प्रेशर मेंटेन होता है, बना लीजिए बेटा, इतना पहले बना लीजिए फिर मैं आगे का फिगर बना रहा हूं, हो गया हो तो बता दीजिए, आगे चलें, फिगर बड़ा करें, ठीक है मैं फिगर बड़ा कर देता हूं, इतना बनाए फिर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, पहले इतना बना लीजिए,
तुम लोग भी अपनी साइड से उसको बड़ा कर सकते हो। तुम लोग भी अपने फोन में जाके थोड़ा सा बड़ा करोगे तो हो जाएगा बड़ा। चलिए मंडे से हम लोग की यानी आपके 10 तारीख से क्लास है ना तुम लोग की ऑफलाइन की, 10 तारीख से मुलाकात होगी ऑफलाइन में। तुम लोगों के एक सब्जेक्ट में स्टार्ट करूंगा, ठीक है? काफी टाइम हो गया ऑफलाइन पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को, क्यों? हाँ वही स्टार्ट करेंगे, परेशान नहीं हो। बाकी तो आपके सब्जेक्ट जो चल रहे हैं वो ऑनलाइन वो चलते ही रहेंगे। ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होंगे क्योंकि पीएलसी स्कॉडा भी पढ़ाने हैं अभी तुम लोगों को। यूपी पीसीएल में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है पीएलसी एंड स्कॉडा, तो उसको भी अभी आगे चल के पढ़ाया जाएगा। लेकिन पीएलसी स्कॉडा के लिए आपको माइक्रो प्रोसेसर आना चाहिए, तो डिजिटल के जस्ट बाद माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, उसके बाद पीएलसी एंड स्कॉडा विल बी स्टार्टेड। हो गया, ये लिख लो जरा कौन किसका नाम है। ये लिख लो, ये कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर, फ्यूल रॉड, प्रेशर वेसल, अरे क्यों बात कर रहे हो भैया, मोहम्मद इमरान। ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाया जाता कोई भी सब्जेक्ट है इंजीनियर में, ठीक है? जितना वो डीप में पूछते हैं ना उससे महा डीप पढ़ाया जाएगा अंदर में पीएलसी स्कॉडा में। क्यों घबरा रहे हो? कभी ऐसा लगा गया कि कोई सब्जेक्ट तुम लोग को ऐसे ही पढ़ाया गया? सीनियरों को खुद नहीं आता है तो क्या बताएंगे कि डीप में पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया है। पीएलसी स्कॉडा कोई पढ़ाता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इस साल पढ़ा देंगे तुम लोगों को पीएलसी स्कॉडा। कुछ है नहीं, माइक्रो कंट्रोलर है और कुछ नहीं उसमें। इसको लिखें, ये चीज जरूर याद रखें, कूलेंट का प्रेशर एंड कूलेंट का टेम्परेचर। किस कूलेंट का है? हॉट वाले का है, हॉट कूलेंट का। जिसे यहां लिख देता हूं, दैट इज हॉट कूलेंट प्रेशर, हॉट कूलेंट प्रेशर, ठीक है? चलिए अब इस जो है ये जो कूलेंट हीट लेके जा रहा है, इस कूलेंट से हीट को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। नाउ आई कैन बी टेकन द हीट एक्सचेंजर। Now I can be taken, the heat exchanger will be there. This is heat exchanger. ठीक है, हीट एक्सचेंजर में यहां से हमारी हॉट कूलेंट को इन करते हैं और यहां से हॉट कूलेंट अपनी वाटर को हीट एनर्जी देके कोल्ड कूलेंट में कन्वर्ट हो जाता है जो गैस होती है, ठीक है? यहां से
हॉट कूलेंट आता है, मतलब गैस आती है, ठीक है। यहां से मेरी हॉट कूलेंट हीट लेके आता है हीट एक्सचेंजर में, और बेटा यहां पर ट्यूब के अंदर, यहां पर जो कूलेंट है वो ट्यूब में नहीं फ्लो करता, आपका जो कूलेंट है वो सराउंडिंग में होगा और वाटर मेरा जो है नॉर्मल प्रेशर पे आपका जो है पाइप के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, नाउ दिस इज ठीक है, यहां पर एक साइड से कोल्ड वाटर आता है, जो वाटर आपके स्टीम में कन्वर्ट होगा वो ट्यूब के थ्रू आता है, ट्यूब के थ्रू। तो नाउ हियर इज ट्यूब के अंदर आपका नॉर्मल वाटर होगा, घुमावदार इसलिए बना रहे कि ज्यादा देर तक मेरा वाटर आपके कूलेंट के संपर्क में रहेगा, जितनी ज्यादा देर तक कूलेंट के संपर्क में रहेगा उतनी ज्यादा अच्छी हीट ट्रांसफर होगी और उतनी ज्यादा स्टीम बनेगी। यहां से हीट एक्सचेंजर है, यहां से मेरा कोल्ड वाटर आएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस तरह से हीट एक्सचेंजर में फ्लो करेगा ट्यूब के अंदर से। अभी तक आप देखेंगे जितने भी हीट एक्सचेंजर में, तो उसमें ट्यूब पे कूलेंट फ्लो करता था और आपका सराउंडिंग में आपका वाटर होता था, लेकिन यहां पर ट्यूब के अंदर वाटर है और सराउंडिंग में कूलेंट है, बिकॉज गैस ना, गैस तो कहीं से भी निकल जाएगी, और यहां से हीट लेने के बाद, हीट लेने के बाद स्टीम निकलेगी, यहां से आपकी स्टीम निकलेगी, क्या निकलेगी स्टीम। लेकिन ये जो वाटर है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर भी कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये 100 डिग्री या फिर 110 डिग्री में स्टीम में कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर भी कम, तो जो स्टीम निकलती है स्टीम का प्रेशर भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है,
यहां मैंने लिखा स्टीम जो बनेगी उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों कम होगा। अब ये हीट एनर्जी इसको मिलेगी कहां से, हीट एनर्जी मिलेगी कूलेंट से, कूलेंट इसके चारों तरफ सर्कुलेट करेगा ट्यूब के अंदर। तो आपका जब कूलेंट सर्कुलेट करेगा तो कॉन्टेक्ट में आएगा, और जब कॉन्टेक्ट में आएगा तो हीट ट्रांसफर होगी ऐसे। ये मेरा कूलेंट है जो कि ट्यूब के चारों तरफ फ्लो कर रहा, और अपनी हीट एनर्जी को दे के यहां से मेरा कोल्ड कूलेंट निकलेगा, दैट इज कोल्ड गैस, दिस इज हॉट गैस। ठीक है, यहां पर इसको सर्कुलेट कराने के लिए आप एक पंप लेते हैं कि कूलेंट मेरा जो गैस है वो अच्छे सर्कुलेट करे, उसके एक छोटा सा पंप भी लगा देते हैं। नाउ यू कैन बी टेक इट द वन पंप, गैस सर्कुलेशन के लिए एक पंप भी लगाते हैं, गैस सर्कुलेटर बोलते हैं। इस पंप का नाम होता है दिस इज ए पंप, और इस पंप का नाम होता है गैस को सर्कुलेट कराएगा कूलेंट को, गैस सर्कुलेटर। छोटा सा पंप होता है, गैस सर्कुलेटर नाम से बोल देते। बेटा प्रेशर बढ़ाने के लिए जब ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है 155 बार, तब आप जो है प्रेशराइजर यूज करते हैं। यहां पर जो है प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है कि इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए प्रेशराइजर लगाए। प्रेशराइजर से मैंने बताया था दैट इज प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में आपका प्रेशर 155 बार के आसपास था, तो वहां पर प्रेशराइजर का रिक्वायरमेंट। इतना प्रेशर हम लोग आसानी से मेंटेन कर लेते हैं थोड़ा सा वैल्यूम कम करके। ठीक है, ट्यूब सीव की हेल्प से, थोड़ा सा ये ट्यूब होती है, इनके ट्यूब की हेल्प से इतना प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये पंप है, ये भी आपका काम करता है प्रेशर को मेंटेन करने में। ठीक है, इस तरह से यहां से कोल्ड कूलेंट या फिर कोल्ड गैस आती है, रिएक्टर के अंदर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, और आपका यहां से हॉट गैस निकलेगी। ठीक है, हॉट गैस आपके हीट एक्सचेंजर में जाएगी, हीट एक्सचेंजर में यहां पर टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपका नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो आसानी से हीट एनर्जी लेके स्टीम में कन्वर्ट हो। यहां पर जो स्टीम निकलेगी दैट इज लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम होगी, तो इस स्टीम से टर्बाइन को चलाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, दैट यू कैन बी यूज द लो प्रेशर टर्बाइन, दिस इज द लो प्रेशर टर्बाइन। तो पहले इतना बना लो, तुम इतना बना लो, फर्स्ट यू कैन बी मेक दिस, इतना बना लो। अब इसके आगे तो वही है टर्बाइन, लाइक समथिंग विल बी देयर, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन भी करवा देता हूं मैं आपको, एक ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। हो गया, चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा तुम लोगों का, नॉर्मल सी चीज है। चलो यहां से आपकी लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम आती है, और इसको हम इंजेक्ट करते हैं लो प्रेशर टर्बाइन, किसमें, जैसे जे लो प्रेशर टर्बाइन। ठीक है, दिस इज ए लो प्रेशर टर्बाइन, यहां से स्टीम आ रही है, इस स्टीम को हम इस लो प्रेशर टर्बाइन में इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, इस स्टीम जो है इस लो प्रेशर टर्बाइन में एक्सपेंड करेगी,
वर्क डन होगा, टर्बाइन रोटेट करेगी, आगे जनरेटर कपल्ड होगा और आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसके आगे आपका कपल्ड है टर्बाइन से, आपका मैकेनिकली कपल्ड है जनरेटर। This is coupling और आगे है जनरेटर। आपको और थ्री फेज एसी सप्लाई हम लोग जनरेट करते हैं थ्री फेज में, जनरेटर और अल्टरनेटर। आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। दिस इज थ्री फेज एसी सप्लाई। गोइंग टू ग्रिड, और आप देखेंगे जनरेटर को जो है टर्बाइन रोटेट कराती है, साथ ही साथ एक्साइटेशन भी देना होगा तभी ईएमएफ जनरेट होगा। डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं ना, तो हियर इज द एक्साइटेशन। ठीक है, ठीक है, मैं ब्रजेश पढ़ देता हूं, पहले इतना बनाओ, मैं कूलेंट के बारे में पढ़ देता हूं, पहले इतना बना लो, इतना बना लीजिए, फिर मैं कूलेंट के बारे में भी पढ़ देता हूं। चलिए, हो गया होगा इतना। कूलेंट के बारे में लिख लो बेटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ब्रजेश, लिख लो। हॉट कूलेंट का प्रेशर हम मेंटेन करते हैं 14 से 28 kg/cm², टेम्परेचर लगभग होता है 700 से लेके 800 °C के आसपास। अब तो वैसे इस सॉफ्टवेयर में तुम लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी, हैबिचुअल हो गए होगे, है ना, ये ज्यादा बेटर है उससे, कि वही वाला ज्यादा अच्छा था। एक्चुअली उसमें आप लेंथ नहीं बढ़ा सकते, बड़े फिगर नहीं बनते उसमें जो है। चलो, मेरे ख्याल से हो गया होगा ब्रजेश, हो गया ना। चलो नाउ You can be take it here. अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है टर्बाइन के अंदर जो स्टीम एक्सपेंड होगी तो उसका प्रेशर टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, बाहर एटमोस्फियर है तो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी जो है गैस क्या होती है, फिर आपकी स्टीम निकलेगी नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर कम है, उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर क्योंकि जब आपकी स्टीम निकलेगी तो उसका प्रेशर कम हो चुका है, स्टीम का प्रेशर बढ़ाना डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करेंगे उसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कंडेंसर लगाते हैं। Now I can use the condenser, लेकिन कंडेंसर तक स्टीम को निकालेंगे कैसे, जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, वैक्यूम पंप एंड स्टीम इजेक्टर लगाने पड़ेंगे। This is a condenser. ठीक है,
कंडेंसर में स्टीम को लाने के लिए वी विल यूज द वैक्यूम पंप एंड स्टीम इजेक्टर. दिस इज वैक्यूम पंप एंड स्टीम इजेक्टर. ठीक है, इन वैक्यूम पंप स्टीम इजेक्टर की हेल्प से हम स्टीम को कहां लेके आते हैं, कंडेंसर में लेके आते हैं. दिस इज द एग्जॉस्ट स्टीम. और बेटा चूंकि इसका प्रेशर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसका प्रेशर तो नॉर्मली बढ़ा नहीं पाएंगे तो हम इसको वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे. दिस इज द एग्जॉस्ट स्टीम. एग्जॉस्ट स्टीम. अब इस स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपके कंडेंसर में एक साइड से कोल्ड वाटर भेजते हैं, सर्कुलेट कराते हैं, दूसरी साइड से कोल्ड वाटर इस एग्जॉस्ट स्टीम की हीट को लेके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. और जब जो है ये कोल्ड वाटर एग्जॉस्ट स्टीम की हीट को ले लेगा तो आपकी स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो कंडेंस होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट है. यहां से हॉट वाटर निकलेगा और यहां से कोल्ड वाटर सर्कुलेट करेगी. ट्यूब के अंदर आपका वाटर है, सराउंडिंग में एग्जॉस्ट स्टीम है. ठीक है, और बेटा जब आपके स्टीम से एग्जॉस्ट स्टीम से हीट एनर्जी निकल जाएगी तो वाटर में कंडेंस हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा हॉट वेल पे, जैसे द हॉट वेल. ठीक है, और हॉट वेल से फिर से हम इस वाटर को कहां भेज देंगे बेटा, हॉट वेल से हम इस वाटर को, इस हॉट वेल से वाटर को फिर से सर्कुलेट करा देंगे कहां पर बेटा, दैट इज हीट एक्सचेंजर में. हीट एक्सचेंजर फिर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, टर्बाइन रोटेट करेगी एंड लाइक समथिंग विल बी देयर. So I can use a that is pump, that is called feed water pump. This I can be use the feed water pump. Feed water pump. Feed water pump. आपके water को फिर से heat exchanger में circulate करा. This is feed water. This is feed water. ठीक है, now अब इस कंडेंसर से जो हॉट वाटर है इसको ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर यूज करते हैं, तो now I can be take it the cooling tower will be there. This is cooling tower. Cooling tower में height से हम hot water को छोटी छोटी droplet के form पे गिराते हैं. नीचे से आपके पास cold air आती है जो कि hot water से बूंदों से टकराती है, heat को लेके atmosphere पे dispose कर देती है और फिर water ठंडा होके आपका pond में store कर लिया जाता है. यहां से आपका एयर आती है, ऊपर से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आती हैं, दोनों कोलाइड करते हैं और फिर आपका ये जो एयर होती है इन ड्रॉपलेट्स की हीट को लेके एटमॉस्फेयर में डिस्पोज कर देती है. ठीक है, और ये ठंडा पानी आपका इस पॉन्ड पे स्टोर हो जाता है और यहीं से इस ठंडे पानी को कंडेंसर में स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए
फिर से सर्कुलेट कराते हैं, उसके लिए पंप यूज करते हैं, सर्कुलेटिंग वाटर पंप, दिस इज द रॉ वाटर, रॉ वाटर, ठीक है, दिस इज एयर, दिस इज एयर। यहां पर एक पंप लगा देते हैं कि वाटर सर्कुलेट करता रहे कंडेंसर में, जिससे कि मेरा स्टीम वाटर में कंडेंस होती रहे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटिंग वाटर पंप, CWP। इतना बना लीजिए और नौ फिगर कंप्लीट है आपका, थोड़ा सा मुझे आउटर शील्डिंग बनानी है बस। पहले इतना फिगर बना लीजिए, फिर मैं इसको और छोटा कर देता हूं, फिर एक बार पूरा भी दिखा दूंगा। इस साइड का पहले कंप्लीट कर लीजिए, हो गया, चलिए डन हो गया। तो फिर यहां पर बस एक चीज रह गया, डोम टाइप का स्ट्रक्चर, रेडिएशन शील्डिंग। यहां भी आप देखेंगे कि जो रेडिएशन है वो कम ही जाएंगे, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जो गैस है, गैस तो फ्यूल रॉड, आप देखेंगे गैस के यहां पर फ्यूल रॉड में कोटिंग की होती है, हेलो, फ्यूल रॉड के ऊपर कोटिंग की होती है, तो जो गैस होती है वो ज्यादा डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती, तो वैसे भी इसमें आपका जो है रेडिएशन कम होते हैं, गैस में जो कूलेंट है यहां पर रेडिएशन क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो वाटर है वो भी आपका गैस के संपर्क नहीं आ रहा, पाइप है, ठीक है, तो जिसकी वजह से रेडिएशन काफी कम होते हैं इसमें, ठीक है, तो रेडिएशन कम होते हैं, ठीक है, और उसकी शील्डिंग रेडिएशन बाहर ना जाए इसलिए हम लोग RCC की शील्डिंग भी करते हैं, नाउ दिस इज द RCC शील्डिंग, ठीक है। तो जहां हीट एक्सचेंजर यूज होगा वहां पर आपको मालूम चल जाएगा कि जो वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वो डायरेक्टली आपका जो है फ्यूल के टच में नहीं आएगा, अगर डायरेक्टली फ्यूल के टच में नहीं आएगा तो आपका रेडियो एक्टिव कंपोनेंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है, रेडियो एक्टिव कंटेंट अगर कम होगा स्टीम में तो आपके लिए खतरा क्या होगा, कम होगा, बाकी जो कूलेंट होते हैं उनसे जो है आपका जो है जो गैस की जो है इफिशियंसी थी वो आपकी अच्छी होती है, तो लगभग जो आपका नॉर्मली हम लोग जो है अभी तक वाटर यूज कर रहे थे, फिर हैवी वाटर यूज कर रहे थे, वहां पर इफिशियंसी आपकी जो है 20% के आसपास ही, लेकिन वहीं पर जो है जब हम गैस को यूज करते हैं तो हीट ट्रांसफर अच्छे से होता है, हीट ट्रांसफर अच्छे होने से इसकी जो इफिशियंसी होती है 22-30% के आसपास होती है, जो गैस कूल्ड रिएक्टर होते हैं उनकी इफिशियंसी थोड़ा सा बेटर होती है, इसीलिए बनाए गए थे, बिकॉज हीट ट्रांसफर इज वेरी वेरी गुड एज कम्पेयर टू अदर, जो हम इससे पहले प्रेसाइज वाटर यूज कर रहे थे या फिर आपका वाटर यूज कर रहे थे कूलेंट के तौर पे, तो ये अच्छा कूलेंट है जिससे इफिशियंसी थोड़ा सा बढ़ जाती, RCC शील्डिंग बोलिए, फिर रेडिएशन शील्डिंग बात क्या है, सेम है, डोम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इससे पहले जो रिएक्टर थे उनकी इफिशियंसी थोड़ा सा कम थी, रेडिएशन कम थे, लेकिन इफिशियंसी कम होने की वजह से इस रिएक्टर को बनाया गया,
इसमें कूलेंट की वजह से हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफॉर्म अच्छा होता है, जिसकी वजह से इफिशियंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। दिस इज नोन एज रेडिएशन शील्डिंग, इसका नाम होता है रेडिएशन शील्डिंग, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं रिएक्टर शील्डिंग, रेडिएशन शील्डिंग, या फिर इसी को बोलते हैं रिएक्टर शील्डिंग। और ये लगभग आपकी आरसीसी की होती है, डोम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आरसीसी की होती है। तो दिस इज द कंप्लीट, नाउ दिस इज द कंप्लीट योर गैस कूल्ड पावर प्लांट। इसमें एक क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ये पूरा कंप्लीट फिगर है, हो गया हो तो फिर क्वेश्चन मैं करवा दूं आपको, बना लिया हो तो मैं क्वेश्चन को करवा दूं। हो गया, चलिए लिखिए, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन, गैस कूल्ड रिएक्टर, ऑप्शन नंबर ए यूज सीओ टू और हीलियम एज ए कूलेंट एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट लिखा है मतलब सॉलिड ग्रेफाइट होता है, मैं बता चुका हूं, एंड ग्रेफाइट एज द मॉडरेटर, सही है क्या स्टेटमेंट? गैस कूल्ड रिएक्टर में आप जो है गैस कूलेंट लेते हैं CO2 या फिर हीलियम, और मॉडरेटर के तौर पे आप ग्रेफाइट यूज करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी। यूजेज कूलेंट एट प्रेशर, के प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, यूज कूलेंट एट ए प्रेशर ऑफ 14 से 28 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कूलेंट का जो प्रेशर होता है वो लगभग इतना ही होता है, 14 से 28 केजी, एंड टेम्परेचर, एंड एट टेम्परेचर ऑफ 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्रेशर 14 से 28 होता है और टेम्परेचर आपका 800 से लेके 800 होता है, ऑप्शन नंबर सी। यूजेज हैवी वाटर, गैस कूल्ड रिएक्टर में कहीं हैवी वाटर यूज करते हैं क्या? गैस कूल्ड रिएक्टर में कहीं हैवी वाटर यूज करते हैं क्या? नहीं, फिगर मैंने बनवाया हुआ है, इसलिए बनवा रहा हूं फिगर कि आपको चीजें याद रहे ज्यादा दिनों तक। यूज हैवी वाटर एज कूलेंट एज वेल एज मॉडरेटर, बिल्कुल ऑप्शन गलत है, और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो बेटा ए भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, CO2 और हीलियम को कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं, ग्रेफाइट को मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, गैस कूल्ड रिएक्टर में, और जो कूलेंट आप यूज करते हैं उसका जो प्रेशर होता है वो 14 से 28 केजी पर सेंटीमीटर या फिर 14 से 28 बार होता है, टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर।
दिस इज द ओनली क्वेश्चन दे कैन बी आस्क्ड इन द गैस कूल्ड रिएक्टर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इंपॉर्टेंट रिएक्टर है क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर इस रिएक्टर में होता क्या है। तो लास्ट रिएक्टर हेडिंग डाल लीजिए, इसको कल कंप्लीट कर देंगे आपके चैप्टर को। मंडे से मैं आपको हाइड्रो पावर प्लांट यानी नेक्स्ट जो 10 तारीख को होगी हाइड्रो पावर प्लांट स्टार्ट करूंगा, दैट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर है, फीडर लिख दिया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। FBR ये सबसे लेटेस्ट रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 238 यूज करते हैं। यूरेनियम 238 विखंडन नहीं करता, तो ये क्या करता है यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करता है प्लूटोनियम में, उसके बाद उसका विखंडन होता है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी फ्यूल होगा और सेकेंडरी फ्यूल होगा, दो टाइप के फ्यूल यूज करते हैं, तो डिस्कस करेंगे इसको कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। अभी आपकी 8:30 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं गैस कूल्ड रिएक्टर में कंप्लीट? चलिए, थैंक यू वेरी मच, मीटिंग लीव कर सकते हैं बेटा जिसका हो गया हो।